अब तक कानून यही कहता था कि आप वन विभाग की भूमि पर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे पर्यावरण को सुरक्षित रखना उद्देश्य था, लेकिन समय बदला, पर्यावरण परिवर्तन को देखते हुए नगरीय क्षेत्रों में भी जैव विविधता को सुरक्षित रखने और बचाने की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। पर्यावरण संतुलन के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना ले भारत सरकार आई है, जिसके तहत वन विभाग की भूमि अब उद्यान अर्थात पार्क के रूप में विकसित की जाएगी। नगर वन योजना, जिसके तहत नगर के आसपास अगर कोई वन भूमि है तो उसे हरियाली क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा। ऐसे में नगरवासियों को अच्छा वातावरण मिल सके, इसके लिए वन विभाग वन की वैसी भूमि को चिन्हित कर रही है जो हाईवे के किनारे हो। ऐसी भूमि को चिन्हित कर वन विभाग के द्वारा उसे नगर वन का स्वरूप दिया जा रहा है, जो पर्यावरण को तो संतुलित करेगा ही, साथ ही कंक्रीट में रहने वालों को हरियाली का भी अनुभव कराएगा। बोकारो में भी ऐसी ही भूमि को वन विभाग के द्वारा चास के कांड्रा में चिन्हित किया गया है, जो नेशनल हाईवे के किनारे है। लगभग 70 एकड़ में फैली वन विभाग की यह भूमि नगर वन के रूप में विकसित की जा रही है, जहां विभिन्न तरह के औषधीय पौधों के साथ साथ कई तरह के वनस्पति पौधे लगाए गए हैं, जो पार्क में घूमने के साथ साथ छात्रों के लिए शोध का भी विषय होगा। इस नगर वन के 70 एकड़ जमीन पर चार दीवारी कर दी गई है। इस नगर वन यानी पार्क के बनने से आसपास के लाखों लोगों को इससे लाभ होगा। घने आबादी वाला उपनगर चास में ऐसा कोई पार्क नहीं जहां इस तरह की सुविधा हो और इतने बड़े क्षेत्र में फैला हुआ हो। ऐसे में चास नगर के समीप कांड्रा में ये पार्क बनने से न केवल नगरवासियों को अपितु आसपास के ग्रामीण इलाकों के लोगों के लिए भी यह लाभदायक होगा। बोकारो के वन विभाग के अधिकारी रजनीश कुमार की माने तो झारखंड में इस तरह से पहला नगर वन होगा, जहां कई सारी सुविधाओं के साथ साथ हरियाली का भी अनुभव कराएगा। भारत सरकार की एक महती योजना है नगर वन योजना, जिसके तहत शहर के आसपास की जो जमीन होती है उसको ग्रीनरी में कन्वर्ट करना होता है। आप अवगत हो गए कि बहुत सारे वजह हो, औद्योगिकरण होता है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो जो फॉरेस्ट की डेंसिटी है वो घटती जा रही है। शहरवासियों को अच्छा ऑप्शन मिल पाए, शहरवासियों को घूमने का जगह मिल पाए, तो उस दृष्टि से कांटरा में जो नेशनल हाईवे पर है, यहाँ से हार्डली 4-5 मिनट के दूरी पर है, उसको चिन्हित करके नगर वन का स्वरूप दिया गया है। वहाँ लगभग 70 एकड़ भूमि को, जो पहले बिल्कुल ऑलमोस्ट खाली थे, जो बिल्कुल ग्रीनरी का डेंसिटी काफ़ी कम था, तो उसको डेंस करने के लिए वहाँ पर विभिन्न प्रजाति के औषधीय फ्लावरिंग ट्री स्पीसीज ये बनाए गए हैं। चेक डैम को बनाया गया है ताकि वहाँ पर पानी की उपलब्धता बनी रहे। आप देखेंगे कि उसका टेरेन जो है, उस 70 एकड़ भूमि काफ़ी हम लोग को समस्या का सामना करना पड़ा। वहाँ पर काफ़ी विवाद का भी, कुछ लोग जो जानबूझ के विवाद पैदा करना चाहते हैं, विवाद पैदा की कोशिश कर किए, लेकिन यह इतने बड़े एरिया में बोकारो जैसे शहर के लिए, शहर के पास 72 एकड़ ज़मीन को एक ग्रीन पार्क में डेवलप करने के लिए भारत सरकार से जो पहल की गई थी, उस पर हम लोग कार्य कर रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में बोकारो के निवासियों को एक अच्छा पार्क देखने का मौका मिलेगा।